अगर हम एरिया को, रेडियस को आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, आर बाई टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना, ए डैश इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर। तो ए डैश जो है आपका वो ए बाई फोर है, ठीक है। अब बोलते हैं लेंथ की बात करते हैं, इसका मतलब जो है एरिया जो है आपका कितना, कितने कितना कम हो, तो अगर आपका एरिया क्या हो गया, ये हो गया ना क्रॉस सेक्शन वायर है, तो अगर हम लेंथ की बात करें तो एरिया में क्या आता है, लेंथ इनटू लेंथ आता ना। तो अगर यहां पर क्या कर दें हम, क्या सकते हैं बताइए, और क्या बोल सकते हैं लेंथ में, वॉल्यूम अगर इक्वल कर अगर लेंथ में देखें हम, तो लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, देखो अगर हम क्या कह रहे हैं कि रेडियस, मान लीजिए जो अगर आपने क्या किया, इफ जो वायर को है उसकी रेडियस को हाफ कर दिया गया तो उसकी लेंथ कितने टाइम इंक्रीज होगी, रेडियस और लेंथ में अंतर बताइए, पहले तो रिलेशन बताइए क्या होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम का लगा देंगे, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल बराबर ए डैश इंटू एल डैश ना, वहां से नई लेंथ निकल जाएगी 4 टाइम्स ऑफ एल। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा आपने, वॉल्यूम इक्वल कर देंगे ना, एरिया इंटू लेंथ बराबर ए इंटू एल बराबर ए डैश अगर हम इंटू देखें एल डैश ठीक है आप वॉल्यूम। देख, मान वॉल्यूम जो है इक्वल कर देंगे। हाँ परसों तो बताया था मैंने क्वेश्चन आप लोगों को, एरिया से नहीं वॉल्यूम कहा था, वॉल्यूम तो खींच लो कुछ भी तो वॉल्यूम तो इक्वल ही आने वाले दोनों के, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया, यहाँ पर भी एरिया इंटू लेंथ हो गया नहीं हुआ। अब देखिए एरिया कितना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आपका कितना यहाँ पर एरिया कितना है, पहले तो देखिए अगर ये देखिए कितना हो जाएगा, न्यू वाला मान लीजिए सेकंड वाला, ये कितना पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना, पाई आर स्क्वायर बाई फोर इंटू एल डैश, मान लीजिए न्यू वाली लेंथ है ये, तो यहाँ से पाई आर काट देंगे, तो जो न्यू लेंथ आई वो कितनी, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ आ गई। अब इतनी अगर लेंथ जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू लेंथ होता है ना, तो एरिया में कितना कितना हुआ होगा, अगर लेंथ में 4 टाइम है तो एरिया क्या होगा, अरे रख सकते हो ना, अब एरिया भी निकल जाएगा, अगर एरिया निकालना चाह रहे हो आप, एरिया तो वैसे भी निकल जाएगा ना, एरिया में क्या आ जाएगा मतलब कितना आ जाएगा, सर सर एरिया तो अभी आपने निकाला ही था, वो ए डैश ए बाई फोर हो गया था ना, अभी तो निकाला था आपने। हाँ ए डैश इक्वल टू कितना, ए बाई फोर ये आया था ना। अब देखो अब क्या है, रख दीजिए कहाँ पर, जो आर इक्वल टू कितना, रो नॉट एल अपॉन ए था ना, ये तो इनिशियल था, अगर आर डैश की बात करते तो रो इक्वल टू ये कितना हो गया, एल बाई फोर अपॉन ए बाई, नहीं सर, 4L है सर, 4L, एल बाई फोर नहीं है, सॉरी फोर फोर एल है, आया ना। और ये 4 हो जाएगा, तो आर डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो नॉट इंटू 16, कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा एल अपॉन ए, तो बाकी तो वही रहेगा, तो आर जो डैश आ रहा है 16, ये आर आ जाएगा इसके बदले। ये आप लोगों को क्लास में करवाया तो था मैंने क्वेश्चन, करवाया था या नहीं करवाया था, परसों तो करवाया था शायद, आई थिंक करवाया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है क्लियर है, या एक बार और समझा दूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, और समझा दूं,
किसी को और समझाना। देखो वॉल्यूम में तो क्लियर है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, खींचो किसी को, घटाओ बढ़ाओ, एक चीज घटेगी तो एक बढ़ेगी। जो क्लास में करवाया था मुझे याद है इतना तो। अभी परसों ही कराया, बाकी जो नए लोग हैं उनको क्लियर है। यहाँ से एरिया भी आ गया था यहाँ पे ए बाई फोर। चलिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? टेस्ला, इसका हो गया ए ऑप्शन। एक गॉस बराबर कितना होता है ये भी बताया था हमने। वन गॉस इक्वल टू कितना होता है? 10 to the power -4 टेस्ला, ये भी ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, किसी रिंग के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक वोल्ट फील्ड होता है? मैंने कहा पाई नहीं आएगा, बी इक्वल टू कितना होता था? म्यू आई अपॉन 2 R। ऐसा कोई ऑप्शन है? पाई नहीं आता रिंग। अगर एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। अगर वाले एक सिंगल है, एन की वैल्यू 1 है, तब ऐसा। नहीं तो अगर बहुत सारी है तो एन लग जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। याद रखना, क्या रखोगे आप? किसी भी सेंटर रिंग पे कितना होता है, अगर एन वाले हैं तो एन का मल्टीप्लाई होता है। चलिए 34। थर्टी फोर का बताइए, वेक्टर फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, तो इसका कितना आ जाएगा? देखो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पेयर्स लॉ कहता है कि बी डॉट जो है डीएल किसके इक्वल आ जाता है? म्यू आई इनक्लोज के बराबर आ जाता है। तो आई की वैल्यू अभी अभी कहा था हमने कि जे जो करंट डेंसिटी है, तो करंट पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर एरिया या डीएस लिख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी जे डी एस लिख दो, या डी ए लिखना जिसको इंटीग्रेशन में। तो जब इसको कंपैरिजन करोगे तो ये कितना बन जाएगा? इसको स्टोक्स थ्योरम से लाइन से किस में बदलिए, सरफेस में बदलिए, ये सरफेस में बदल गया। और यहाँ से कितना, जे डॉट डेल एस, ठीक है। और बाहर से कितना, ये तो म्यू रहेगा ना, म्यू नो, इसीलिए डेल क्रॉस बी इक्वल टू कितना था, म्यू जे था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन की जो वैल्यू है 35 का A, 9.2 × 10⁴ मीटर एम्पेयर। इसका यूनिट पूछा गया था एक बार, किसका वो होता है, ये किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। और इसका यूनिट कितना होता है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, ये भी करवाया था हमने कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कितना होता है। मैंने कहा था कि म्यू इक्वल टू कितना होता है, आई ए होता है। ए मतलब कितना कितना होता है, ए एरिया पाई आर स्क्वायर। अब आई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, सर्कुलर में घूम रहा है। जब मैग्नेटिक मोमेंट देखो दो टाइप का होता है, जब ये लूप में घूम रहा होता है ना, तब इसके पास कैपिटल एम दिखाते हैं या म्यू दिखा लेते हैं। तो सर्कुलर में घूम रहा है तो डिस्टेंस कितनी सर्कल में, 2 π r, देखो पूरा सर्कल में 2 π r परिधि, अपॉन स्पीड कितनी, वी। अब इन सबको यहाँ पर रख दीजिए इस आई टी की वैल्यू, तो जो आई है आपका वो कितना, क्यू की जगह कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्यू की जगह ई आ गया। टी की जगह कितना, 2 π r, और नीचे वी था, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, ई वी अपॉन 2
पाई आर। अब इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए कहाँ पर, पहले वाले में, इसमें म्यू इक्वल टू आई की जगह कितना है, ई बी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो म्यू इक्वल टू ई बी आर अपॉन 2, और कितना रहेगा, एम बी आर रहेगा, एक सॉरी एम नहीं आएगा, ए याद रहेगा। ठीक, क्लियर है? बी ऑप्शन नए वालों को क्लियर है ये, अभी पुराने वालों को तो अभी अभी हुआ था ये। क्लियर है आप लोगों को? रीना जी हो गई, समृद्धि हो गई, क्लियर है आप लोगों को? मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ अभी, नहीं क्लियर हो रहा तो मैं दोबारा बता दूंगा, पर आप लोग पूछिए। जो लोग नए हैं, मतलब जिन्होंने टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, ऐसा ना हो कि आप बस आपका टाइम कट रहा है। यहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंट है बहुत है। ठीक है, आगे चलूँ मैं? नए कौन कौन है? नए मीन्स जो पहले से आ रहे हैं, पर चलिए देखो प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो हमने कहा था इसको जीवन में याद रखना, म्यू बाय एल इक्वल टू कितना कितना कहा था, सी बाई एम, यही कहा था या ई बाई एम था, कौन सा है 37 का? बी ऑप्शन। जी तो हमने कहा कि म्यू बाई एल इक्वल टू कितना, ई अपॉन 2m, इसको जीवन भर याद रखें। कैसे, एल क्या है? म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबक या आघूर्ण है, क्या है इसको बोलते हैं, चुंबक के आघूर्ण। और एल क्या है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको बोलते हैं कोणीय संवेग। एल की वैल्यू कितनी होती है, एम बी आर, मास वेलोसिटी और रेडियस। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्टी एट कितना, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इंडिपेंडेंट, ये करवाया था मैंने, मैंने बोला भी था। तो टाइम पीरियड जो होता है वो वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, मैंने कहा नहीं था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो त्रिज्या और किस पे, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी, लिख लो इसकी जगह, कभी फ्रिक्वेंसी भी पूछ जाती है, टाइम रेडियस और उस पर नहीं करते डिपेंड। ठीक है, ये बात आप लोग नहीं समझोगे। देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, एलटी का क्वेश्चन सुनिए, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसा देखिए जब थीटा 90 हो तो ये सर्कुलर पाथ बनाता है, कैसा बना, एलटी का क्वेश्चन है ये, सर्कुलर पाथ, जब एक दूसरे से लंबवत हो, कौन कौन, बी एंड क्या है वी, एक दूसरे के लंबवत है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाते हैं, पाथ कैसे बन जाता है, लब सर्कुलर बन जाता है। इस केस में क्या हो जाता है, तो जो आपका जो है, जो एक तो फोर्स लग रहा है इस पे, कौन सा वाला, मैग्नेटिक वाला, एक क्या लग रहा है, सेंट्रिपिटल वाला। मैग्नेटिक वाला होता है क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी, या क्यू बी वी लिख लीजिए, क्यू बी बी। और दूसरा देखिए क्या होता है, मैंने कहा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल देखिए इधर एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कैसा पाथ बनाता है, वो सर्कुलर पाथ बनाता है, ये एलटी में आया था ना, जब भी थीटा इक्वल टू 90 हो, मतलब किस किस के बीच का एंगल, बी एंड वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के, तो पाथ कैसा बना, सर्कुलर, एलटी में आया था ये क्वेश्चन।
तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता तो उसके पास जो है फोर्स होता है एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर जब ये सर्कुलर पाथ घूमेगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्यू वी बी साइन थीटा, और ये कितना होता है सेंट्रीपिटल एम बी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू 90, इसलिए 90 की वैल्यू 1 साइन 90 एम बी स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेट करके, और वी की वैल्यू निकालते हैं। देखो आर की वैल्यू कैसे, वी तो एक कट गया तो ये कितना हो जाएगा, वी अगर आपको चाहिए तो कितना हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है एम बी अपॉन क्यू बी, ये आ गई। तो देखिए ये जो इस पे भी वेलोसिटी आ रहा है, देखिए तो अगर जो आप फ्रिक्वेंसी करते हो, फ्रिक्वेंसी मतलब देखो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई आर सर्कुलर में घूम रहा अपॉन वी। तो अगर ये सब वैल्यू रखोगे यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखोगे ना क्यू बी आर अपॉन एम, आर से आर कट जाएगा तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्यू बी। देखो टाइम पीरियड में आ रहा है रेडियस और वेलोसिटी नहीं आ रहा, इसीलिए बोलते हैं कि ये नहीं होते उसमें। ये बात आई समझ, ये नहीं आई। देखो फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ सी, एंड आज का आखिरी क्वेश्चन है यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होगा कूलॉम, ठीक है क्लियर है। इससे पहले वाली आवृत्ति वाला क्वेश्चन समझ आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया ये। हाँ मतलब जिनकी